झुंझुनू टाइम्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो का लिंक पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। चुनाव आने की सुगबुगाहट के बीच सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल के लिए सबसे बड़ी चुनौती पार्टी में अलग अलग छतरी तान कर बैठे नेताओं को एक जाजम पर लाने की है। भाजपा के बाद अब कांग्रेस में भी जगह जगह मीटिंगों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी ने शक्ति प्रोजेक्ट के जरिए कार्यकर्ताओं से सीधा जुड़ने की कोशिश शुरू की है। कस्बे के अग्रसेन भवन में कांग्रेस कमेटी के समन्वयक राजेश मोरदिया ने शक्ति प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। मजेदार बात ये रही कि स्थानीय कांग्रेस की गुटबाजी की खबरें जब मोरदिया तक पहुंची तो उन्हें एकता कायम रखने के लिए हाथ नपाकर शपथ दिलवानी पड़ी। मोरदिया ने कहा कि जीत के लिए कार्यकर्ताओं की ताकत का एक होना जरूरी है। दरअसल मीटिंग के दौरान दल बदलू नेताओं से कई कार्यकर्ता नाराज थे। बबलू गुड़ा ने कहा कि आप नेताओं का तो कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन हम कार्यकर्ता जरूर आहत होते हैं। कांग्रेस की टिकट चाहे किसी को भी मिले, सभी एकजुट होकर प्रत्याशी को जिताने में भूमिका निभाएंगे। साथ ही इसके लिए शपथ लेनी भी जरूरी है, जिससे ऐसे नेताओं की आने वाले समय में पोल खोल सकें। इस दौरान पीसीसी सदस्य रविंद्र भड़ाना, पीसीसी महासचिव विजेंद्र सिंह इंद्रपुरा ने अपने विचार रखे। आप सारे मिलकर रहेंगे तो पार्टी आ पाएगी, और अगर आपने आपस में यहाँ भ्रमताव किया तो पार्टी आना मुश्किल लगता है। कार्यकर्ता बेचारा मेहनत करता है, आपकी लड़ाई में सोचना होता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सारे एक रहेंगे तो यहाँ पार्टी का आने की संभावना। अपने जो पार्टी के लोग नहीं है या पार्टी विचारधारा से ताल्लुक नहीं रखते ना, वो गलत अफवाह फैलाते हैं और उससे क्या कार्यकर्ता बेचारा परेशान हो जाता है। साहब टिकट तो मैं लिया हूँ, साहब टिकट तो मैं लिया हूँ, आपको देखा अब अपना कांग्रेस साहब मिली को नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य ये, उस उनके चक्कर में नहीं पड़े और अपन एकजुट रहे। मैंने तो देखो डूडी साहब आए थे तब भी हम ये बात कही थी, दो कदम आप चलो दो कदम हम चलो, और मिलके चलेंगे तो कोई ताकत नहीं कि उदयपुर वाटी की या जिले की कांग्रेस को कोई नुकसान पहुंचा सकता है या प्रदेश की कांग्रेस को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। आज प्रदेश में बहुत शानदार अनुभव है, शानदार स्टेमिना है। हमारे युवा नेता तो सचिन पायलट के पास गहलोत जी जैसा अनुभव है और डूडे जैसा मजबूत अपने पास सीएमपी लीडर है, फिर कमी कहां रह जाती है। ठीक कह रहा था, कोई कमी अपने में ही रह जाती है, इस कमी को पूरा कर लेंगे। महीने की जो मीटिंग की बात कही सरपंच, बहुत शानदार है, अगली मीटिंग गुड्डा में हो। समझ में नहीं आता ये है क्या। तो मेरा मतलब कि 24 घंटे जो आदमी काम करता है फील्ड में और जो पार्टी के काम करता है, चाहे वो एमपी का चुनाव हो, चाहे हमारे पंचायत राज का चुनाव हो, चाहे हमारे नगर पालिका का चुनाव हो, जो लोग काम करते हैं और काम करके और उसमें जो भागीदारी निभाते हैं, उस कार्यकर्ता की पहचान होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई भी आदमी कोई फील्ड में कोई काम नहीं है, पार्टी के सिद्धांतों पे काम नहीं करता है, पार्टी के नीतियों पे कोई काम नहीं करता है और उसके पार्टी को दोनों जीवन दो टिकट लेके फिरता है। तो मेरा निवेदन आपसे ये है कि हमारे जो यहाँ के कोई छिपी नहीं रहती कोई भी चीज, पार्टी का कोई भी काम करता है, क्षेत्र में काम करता है, तो वो कोई छिपी हुई नहीं है। तो कोऑर्डिनेटर जो जहाँ लोग आते हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कम रिसर्च थोड़ा सा शोध करके और आपके लेटर पैड पे जैसा आपको लगे वो पार्टी के हमारे पदाधिकारी को पहुंचाइए। और पार्टी के पदाधिकारी को पहुंचाने से क्या होता है सर, हमारी यहाँ की जो लोकल चीज है वो वहां तक उनकी नजर में पहुंचे, उससे हमारी पार्टी मजबूत होगी, हमारे कार्यकर्ता जो काम करता है फील्ड में उसको ताकत मिलेगी और वो ताकत का असर हमारे चुनाव में होगा, चुनाव में विजय होंगे इसके ऊपर।